पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रेलवे की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। मुरादाबाद डिपो बस स्टैंड के सामने से डबल फाटक पुल तक 143 दुकानदारों को एक सप्ताह में कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। रेलवे ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया है। कहा है कि यदि सप्ताह भर में दुकानदारों ने कब्जा नहीं हटाया तो रेलवे पुलिस की मदद से कब्जा हटाया जाएगा। इंजीनियरिंग विभाग की एक टीम स्टेशन रोड पर दुकानदारों से वार्ता के लिए पहुंची थी। नियमों का हवाला देते हुए उनसे जल्द से जल्द कब्जा हटाने की अपील की। इसके बाद दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। कुछ दुकानदारों ने कई वर्षों से रेलवे की भूमि पर दुकान चलाने की बात कहकर विरोध किया। रेलवे की इस बड़ी कार्रवाई से दुकानदारों में खौफ है और अब वो मजबूर है कि आखिरकार उनके भविष्य का होगा क्या, क्योंकि पूरे जीवन की पूंजी उन्होंने इस दुकान में लगा दी। लेकिन अब इस तरह से उन दुकानदारों को यदि रेलवे के द्वारा बेहाल किया जाएगा तो आखिरकार वो कहां जाए। हमारी यहाँ रोडवेज पे कम से कम 165 दुकानें हैं और सब रेलवे से अलॉटेड हैं, और रेलवे का बार बार नोटिस आता है कि ये दुकानें अलॉटेड नहीं हैं, जबकि हम किराया जमा करते हुए आ रहे हैं। हमने रेलवे को बार बार अपने किराए की रसीदें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इनका जो नोटिस आता है उसका जवाब हमने हर समय इन्हें दिया है, और आज भी हम इनका नोटिस के जितने भी हम पहले भी हमारे पे नोटिस आया उसके हमने किराए की रसीदें वगैरह लगाकर हमने सब रेलवे डिपार्टमेंट को जमा कराया है। और रेलवे कहता है हमारे पे पेपर अभी आपके दुकानों के बरेली से आए नहीं हैं, जब बरेली से आ जाएंगे तो हम किराए जमा कर लिए जाएंगे। अभी तक कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, ना ही कोई इनके पास हुआ है। हमारे पहले भी 10 से 12 साल के किराए इकट्ठे जमा हुए हैं बरेली के अंदर, 1996 से 2002 तक, 2004, 2005 तक। उसके बाद रेलवे प्रशासन ये कहता है हमारे पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पे कोई इसमें लिखित में नहीं आया है, जबकि बरेली से इनके पास कोई, इज्जत नगर से कोई कहते हैं डॉक्यूमेंट नहीं आया। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या नोटिस दिया गया है? हमें ये किराया खाली करने की नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ से ये दुकानें खाली करी जाएं, और जबकि हम अलॉटी हैं, ये कहते हैं आप इन लीगल हैं, हम लीगल हैं, हम ये कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप रेलवे के अलॉटी नहीं है, जबकि हमारे पे रेलवे की सब रसीदें हैं, रेलवे के अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब हैं, बिजली के बिल हैं, सेल टैक्स के सब जितने सेल टैक्स डिपार्टमेंट के हमारे पे जीएसटी नंबर वगैरह हैं, और ऐसे नहीं सन 1965 से 1970, 71, 72 से अलॉटेड दुकानें हैं ये, और बहुत लोग अपने रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, कम से कम 50,000 आदमी इन दुकानों से जुड़ा हुआ है। अगर ये लोग हमें खाली करा ली जाएंगी तो सर यहाँ से रोजी रोटी का क्या होगा इनके सबके? किराया कब तक का जमा है सर? 2002 तक का है, 2004-2005 तक लास्ट किराया जमा है। उसके बाद यहाँ बोलते हैं प्रशासन, ये बोलता है रेलवे का डीएनआर अधिकारी, ये बोलते हैं जितने बैठे हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे कोई भी किसी से परमिशन आएगी ऊपर से तो हम यहाँ पे, हम इससे पहले रेलवे बोर्ड द्वारा वहाँ पहुँचे थे, दिल्ली पार्लियामेंट में भी पहुँचे थे हमारे सुरेश अंगड़ी रेल राज्य मंत्री से, तो उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होगी, आपका किराया जमा करा लिया जाएगा। और अब तक रेलवे प्रशासन ने यहाँ किराया क्यों नहीं जमा कराया, तो ये तो रेलवे प्रशासन ही जवाब देगा वहाँ रेलवे बोर्ड को। ये हमारी अलाटमेंट है 72 से 74, 75, 76 लगातार अलाटमेंट है। हाँ, न्यायालय में भी हमारे कई दुकानों के केस चल रहे हैं, पहले भी मुकदमा हम जीत चुके हैं सन 82 में, और न्यायालय द्वारा, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही इधर से। ये हमारा लोअर कोर्ट में है, मुरादाबाद कोर्ट में चल रहा है हमारा, हमारा कोरोना से पहले से 3 साल से चल रहा है, जब नोटिस आया था उस दोबारा हमने 2019 से कि लगभग 100 मुकदमे हैं, अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया, हियरिंग चल रही है। कोरोना दौरान में मुकदमे ढीले पड़ गए थे, कभी अधिकारी नहीं बैठे होते थे, तो पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।